माँ लहर म्यूजिक वर्ल्ड की ओर से निराला एंड पार्टी एक लोकगीत कहरवा पेश करने जा रही है। आज हमारा पूरा भारत देश चिंतित है दोस्त। आज एक जानवर पूरे देश को हिला के रख दिया है। आप जानते होंगे उसका नाम टिड्डी है। जैसा कि मैं भी सोचा था कि होंगी झुंड इनकी 100, 200, 1000, 500 की, लेकिन देखने के बाद पता लगा, क्योंकि मैं भी अपनी आँखों से 26 जून को समय सायंकाल 5:30 बजे से शुरू किए देखना, तो 6:15 बजे तक इनकी झुंड को देखे, तब भी तक खत्म नहीं हुई दोस्त। इसीलिए हमारा कहना है, अरे टिड्डी सुने रहे हम, अरे टिड्डी बहुत देखान बबुआ, और जियारा बहुत डरान बबुआ ना। सुने रहे हम, सही हरिलाल, बहुत सही। हमारा कहना है, ये हमारा सन ही बड़ा खतरनाक है, आप समझें, आप विचार करें इस पर। अरे 20-20 का गिनती कितनी खतरनाक है भैया, एक बीमारी एक डरावई एक पेड़ चटा दैया, आज लगातार हम 4 महीने से परेशान है सिर्फ कोरोना की बीमारी से। आज हाल ताज में 15 जून को हमारे देश के सिपाही बॉर्डर पर चीन के 20 सिपाही मारे गए बाबूजी। उधर भी हम लोग परेशान हैं, हमारा देश पूरा चिंतित है। तीसरी तरफ ये टिड्डी इतने झुंडों में जो हमारे किसान भाइयों के लिए बड़ा भारी घातक है दोस्त। तो एक डरावे एक बीमारी एक पेड़ चटा दैया, ये पेड़ को ही चाट देती है, अनाज फल फ्रूट कहाँ से होंगे। जो इंसान देखा होगा टिंडियों के झुंड को, उसे मालूम होगा कि वास्तव में किसान भाई हमारे मर जाएंगे अगर ऐसी ही झुंड चलेगी तो। और एक बीमारी एक डेरा वही एक पेड़ चटा दैया, खेती चौपट होए, ओ खेती चौपट होए, टिड्डी से नुकसान बबुआ, जियारा बहुत डरान बबुआ। आखिर इनकी तादाद कितनी है, टिड्डी है कितनी,
सूत्रों के मुताबिक पता चला है दोस्त। अरे 10 किमी तक लंबा रे रा 6 किमी तक चौड़ा तक लंबा रे रा 6 किमी तक चौड़ा अरे लाख करोड़ की बात तो छोड़ा हाँ लाख करोड़ की बात तो छोड़ा अरबों में है दौड़ा चला है कि 10 किलोमीटर की इनकी लंबाई है जाने का और 6 किलोमीटर की चौड़ाई है। वास्तव में अगर जो इंसान देखा होगा तो वास्तव मालूम होगा उन्हें कि वास्तव में टिड्डी आई कहां से, कितनी टिड्डी और बड़ी बड़ी टिड्डी जो खेतों में जा करके पत्तों को चाट जाती हैं, उपज जो होते हैं अनाज उनको चाट लेती हैं, पूरा का पूरा खेत नाश हो जाता है। फ्रूट फल वाले जितने भी फल जो वृक्ष लगे हुए हैं उन पर अगर बैठ जाएं तो वृक्ष सत्यानाश हो जाएं दोस्त। 10 किलोमीटर तक इनका लंबा रेरा है और चौड़ाइयों में 6 किलोमीटर तक है दोस्त। और लोग अनुमान लगाते थे, मैं भी अनुमान लगाया था, ज़्यादा ज़्यादा 1,000, 2,000, 4,000, 5,000 होंगे, लेकिन ऐसा नहीं दोस्त। लाख करोड़ की बात छोड़िए, ये अरबों में इनका दौड़ा है, अगर गिनती किया जाए तो अरबों में। लेकिन और क्या करती हैं, कब से यात्रा शुरू करती हैं, कब विश्राम करती हैं। हाँ अरे लाख करोड़ की बात तो छोड़ा अरबों में है दौड़ा दिन में करें यात्रा हो दिन में करें यात्रा रात्रि में करें टिकान बबुआ जियारा बहुत डरान बबुआ ना को भगाने का उपाय सरकार ने सोचा, ग्रामीण जनता ने सोचा कि टिड्डी हमारे खेतों में न बैठ पाए, उसका उपाय सरकार ने क्या सोचा और जनता जनार्दन ने क्या सोचा है दोस्त। सरकार करे छिड़काव और लोगवा टीना ताल बजावे कार करै छिड़काव और लोगवा थाली टीन बजावें अरे खेत बचावें धुआं करै और टिड्डी का डरवावें खेत बचावें यही एक उपाय जनता ने सोचा। सरकार ने तो छिड़काव कराना शुरू किया, लोगों ने जिस गांव की रेरा इसकी जा रही थी लोगों ने अपने खेतों में जा करके घर में कहीं थाली डंडों से बजा रहे थे, बड़े बड़े टीन थे तो उसको बड़े बड़े टीनों को खट 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 करके बजाया करते थे खेती बचाने के लिए, बहुत धुआं कर देते थे कि टिड्डी हमारे खेत में न रुके बाहर जाए। वास्तव में दोस्त ऐसे उपायों से टिड्डी रुकी नहीं बल्कि गई, रात्र जहाँ हो जाता था वहीं रुक जाती थी, सुबह से फिर इनकी यात्रा चालू हो जाती थी, आगे के लिए प्रस्थान करती थी। इसी प्रकार से टिड्डी को डरवाते डरवाते कहाँ चली गई, जबकि हम 26 जून को सायंकाल 5 बजे प्रतापगढ़ में उसको देखे हम लोग अपनी आँखों से,
न्यूनतम पौना घंटा तक इनकी रोयरा को देखे अनुमान नहीं लगा पाए कि कितने में होगी, अरबों क्या खरबों में होगी, गिनती की नहीं जा सकती है दोस्त, सोच लीजिए आप। हाँ तो खेत बचावें धुआं करें और टिड्डी का डरवावें, हाँ तो संकट भारी संकट, ओ संकट भारी संकट, चौतरफा नुकसान बबुआ जी यारा बहुत डरान बबुआ ना। अंतिम बात आप ध्यान दें, टिड्डी आई कहाँ से, किस देश से आई या प्रदेश से आई, कवि ने गीत में लिखा, अरे टिड्डी पाकिस्तान से आई आकर धूम मचाई, एक तरफ कोरोना बीमारी एक तरफ टिड्डी डरवाई, ये भी पता चला खाड़ियों से ये पाकिस्तान में रहने वाली लद्दाख की सीमा के पास जो चीन में भी मिलता है ये टिड्डियों का बसेरा वहीं, वास्तव में इससे जानवर को भारत देश के लोग कभी नहीं देखे थे दोस्त, कभी नहीं देखे थे, वहाँ से उड़ करके आज भारत देश में यह हरण कर रही हैं, किसानों के लिए जानलेवा खतरा है दोस्त, सोच लीजिए। तो एक कोरोना बीमारी देखा टिड्डी बहुत डरवावे, गावे कल्लू निराला, ओ गावे कल्लू निराला, टिट्टी का दस्तान बबुआ जी।